हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ एक और हिडन जेम ऑफ यूरोप की वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जगह का नाम है बोस्निया हर्जगोविनिया, जो कि परफेक्ट है एडवेंचर्स, एक्टिविटीज़, आकर्षक हिस्ट्री, ओटोमान आर्किटेक्चर के लिए। क्या मैं एक पूरे कंट्री को यूरोप का छिपा हुआ जेम के साथ बुला सकता हूँ? खैर, मुझे यहाँ की कोशिश करने जा रहा हूँ। अधिकांश भाग के लिए बोस्निया और हर्जगोविनिया का खोज अभी भी यूरोप में बीटन पाथ के एक्सपीरियंस से एक रिलेटिवली दूर है। निश्चित रूप से सुंदर मॉन्स्टर को प्रसिद्ध माना जाता है, और अब डुब्रोवनिक और कैपिटल साराजेवो के डे ट्रिपर्स के साथ बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अपने अफोर्डेबल प्राइसेस, फैंटेस्टिक कल्चरल मिक्स और हिस्टोरिकली महत्व के लिए विशेष रूप से संबंध में अधिक से अधिक विजिटर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है WWI के लिए। लेकिन ये देश एक्सपीरियंस के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है। तो मैं कुछ पुरानी वीडियोस और तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए। ऐसा लगता है कि हर कोने के आसपास एक नया अनुभव जगा है। ये इंसान को आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके, और मैं पूरी ईमानदारी से विश्वास कराता हूँ कि आप एक रियल एडवेंचर चाहते हैं। और बीटन पाथ से यूरोप आनंद के लिए बोस्निया और हर्जगोविनिया और आपको सरासर आनंद देंगे। एडवेंचर्स लवर के लिए कोंजिक के आसपास राफ्टिंग शानदार है। पानी इतना क्लियर है कि ये फोटोशॉप दिखता है। ये देश भर में खोजने वाले सभी लेक्स को एक कॉमन थीम है। वाटर बेस्ड मैजिक, पोस्टकार्ड परफेक्ट ग्राफिका वाटरफॉल्स, और साथ में रामाल में एक लेक में माथे तक फैलाए हुए सांस्कृतिक रोमांच और लंबे पैदल यात्रा के लिए आखिरी बचे हुए पहाड़ों के गांव में से एक लुकीमोर के लिए, या यदि आप सर्दियों के महीने में इस एरिया में हो तो स्कीइंग भी अवेलेबल है यहाँ। लेकिन बोस्निया और हर्जगोविनिया में मेरे लिए असली जादू छोटे मोमेंट्स हैं, चाहे वो जमाला में एक कन्वर्टेड रेलवे स्टेशन में रह रहा हो, दो की आबादी वाला एक शहर में। यहाँ आप गिटार पर जाते हुए मालिक हो। आपको घर का बना हुआ वाइन पिलाने से पहले आपको घर में शराब पिलाने से मना कर दिया जाएगा। एपिक केव्स, ये एक ठंडा नींबू पानी या अरेबिक कॉफी का आनंद लेते हुए पोस्टिटलेस के ओटोमान बंजर गांव से बाहर निकलते हैं। बोस्निया और हर्जगोविना में कब तक रहे? वह 1 से 2 हफ्ता, ज़्यादा नहीं। वाई विजिट इन 2020। एक नए नेचुरल एयरलाइन फ्लाई बोस्निया ने फिर से लॉन्च किया है, जिसका साथ में देश में आसानी से और सस्ते फ्लाइट एस्टेब्लिश एयरलाइंस के साथ न्यू रूट्स के साथ। इसके अलावा किसी भी वर्ष दुनिया में मेरे पसंदीदा कंट्रीज में से एक पार जाने से सबसे सही टाइम है। बोस्निया और हर्जगोविना में कैसे जाए? देश में फ्लाइट अभी भी रिलेटिवली कम है और मुख्य रूप से सर्जीवा तक जाते हैं। तुजला में कुछ बजट फ्लाइट्स ऑप्शन भी हैं, और डुब्रोवनिक क्रोटिया फिर बस से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मजबूत इंटरनेशनल अराइविंग पॉइंट प्रोवाइड करता है।